So student, our next phylum is Ctenophora. Ctenophora. It's teen. कौन से ग्रीक वर्ड से आया है टीन? टीन मीन्स कॉम्ब एंड फोर्स मीन्स बियरिंग. सो दे आर कॉम्ब जेलीज. यू कैन से दे आर नोन एज कॉम्ब जेलीज और सी वॉलनट्स. वाई कॉम्ब जेलीज? बिकॉज बॉडी इज लाइक jellies and walnuts like shape. Okay, and why jelly? Body is like jellies. Okay, and they have 8 complex. Plates. So how they exactly look? So have a look of Ctenophora. They exactly looks like this. See, jelly likes walnut shape. So it is Ctenophora. Now habits, there are around 50 species. Okay, habit exclusively marine. Habitat exclusively, remember this word. Okay, and they show the property of bioluminescence. They feed on plankton, swim by cilia. Okay, write on largest animal. Habit. This is special properties. Okay, swim by cilia and largest animal. To swim with cilia. ठीक है, लार्जेस्ट एनिमल है जो सीलिया से स्विम करते. और अरेंजमेंट क्या होते हैं सीलिया का? अरेंजमेंट, सीलिया अरेंजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. इट इज 9+3 एंड द अरेंजमेंट ऑफ सीलिया इज 9+3. Arrangement is 9+3. Okay, and body form, and one more important point, they show a property of bioluminescence. They show a property of bioluminescence. I have told Noctiluca in that Protista, the property of living organisms to emit light. So it is also very special property of Ctenophora. Bioluminescence means emit light. Body form variable. Symmetry is biradial. Biradial means radial plus biradial means radial plus biradial. By how? तो जो complets होते हैं ये radial symmetry होते हैं. Okay, और जो tentacles और vascular canals होते हैं वो bilateral होते हैं. It can ask, exam में पूछा जाता है biradial कैसे हुए, जो complets हैं वो कैसे shape होते हैं? Radial symmetry. Complets, अब दिखाना पड़े कॉम्प्लेक्स का क्या रहता है.
रेडियल सिमेट्री। ओके एंड व्हाट अबाउट टेंटिकल्स एंड गैस्ट्रो? और टेंटिकल्स जो रहते हैं, टेंटिकल्स एंड ब्रांचिंग ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स वो कैसा शो करते हैं? बाई लेटरल। सो इट इज दिस। ओके ये देखा, देख लो सिमेट्री। बाई रेडियल कैसे? कॉम्प्लेक्स रेडियल सिमेट्री एंड टेंटिकल्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स बाई लेटरल। ओके एंड द नेक्स्ट वन इज जर्म लेयर। डिप्लोब्लास्टिक, अब इसके बाद से ट्रिप्लो स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर दिस व्हाट? कम्प्लेक्टी हिलमेंथस। लर्न सीक्वेंस वाइज। ओके लिख लेना डिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज, चलो लिख दे रहे डिप्लोब्लास्टिक, भूल जाओगे। लेवल ऑर्गेनाइजेशन अभी क्या चल रहा है? टिश्यू। नाउ कम टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो समझाने वाला है, अब बॉडी वॉल। बिकॉज डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू ये सब हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। मेन तो डिफरेंस आ जाएगा बॉडी वॉल में ही आ जाता है एंड देयर स्पेशल प्रॉपर्टी। ओके सो दोस्तों बॉडी वॉल यहाँ बताना था। Body wall consists of, let me write here, outer and inner. Body wall two layers है, outer and inner. और outer को क्या हम लोग बोलेंगे? Epidermis. और इनर कंसिस्ट ऑफ, इनर वन इज गैस्ट्रोडर्मिस। एंड एपिडर्मिस इज एपिडर्मिस इट इज अगेन डिवाइडेड इंटू टू। एपिडर्मिस इज अगेन डिवाइडेड इंटू टू, आउटर एंड इनर। आउटर इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस सेल्स, कौन कौन सी सेल्स पाए जाएंगे? सेंसरी, ओके, म्यूकस, म्यूकस सीक्रेटरी सेल्स और कोलोब्लास्ट, कोलोब्लास्ट सेल्स। कोलोब्लास्ट सेल्स क्या होते हैं? कैप्चरिंग ऑफ, दे आर एधेसिव्स। ठीक है, ये कैसे नेचर होते हैं? एधेसिव इन नेचर होते हैं एंड दे हेल्प्स इन कैप्चरिंग ऑफ फूड। इनर इट कंसिस्ट ऑफ विच सेल्स? इनर इट कंसिस्ट, आउटर है इनर, इट कंसिस्ट ऑफ मायो एपिथीलियल, मायो एपिथीलियल। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ मायो एपिथीलियल सेल्स एंड इट फंक्शंस लाइक मसल्स। फंक्शन लाइक मसल्स मतलब ये मसल्स नहीं होते हैं, मस्कुलर सेल्स नहीं है, इट फंक्शंस लाइक मसल्स। ओके
बिकॉज दे कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसिस्ट ऑफ नर्वस ऑल्सो. सो बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ आउटर एंड इनर. आउटर वन इज एपिडर्मिस. एपिडर्मिस दो में डिवाइड है, आउटर इनर. सेंसरी सेल्स, म्यूकस सिकेट्री सेल्स, इट इज सिकेट्री, एंड कोलोब्लास्ट सेल्स, इट इज एडहेसिव इन नेचर. ठीक है, एडहेसिव इन नेचर, कैप्चरिंग ऑफ फूड. इनर मायोपिथेलियल फंक्शंस लाइक मसल्स एंड नर्वस. इनर वन इज गैस्ट्रोडर्मिस. नाउ व्हाट अबाउट गैस्ट्रोडर्मिस? गैस्ट्रोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ वेरियस कैनाल्स. कंसिस्ट ऑफ वेरियस कैनाल्स. ओके, एंड कैनाल्स कंसिस्ट ऑफ इनर सेल्स एंड आउटर सेल्स. इधर ड्रॉ कर रहे हैं. इनर सेल्स एंड आउटर सेल्स. इनर सेल्स में क्या क्या पाए जाते हैं? सेल्स ऑफ कैनाल्स. इसमें पाया जाएगा स्टोरेज सेल. देयर इज नो स्पेस सो आई विल राइट हेयर इनर सेल्स. ओके, इनर सेल्स में क्या क्या पाए जाएंगे? दे आर लॉन्ग. ओके, ये लॉन्ग होते हैं. और क्या क्या पाए जाएंगे? स्टोरेज सेल्स. ओके, जर्म सेल्स. जर्म सेल्स का क्या फंक्शन हुआ? प्रोड्यूस गोनैड्स. एंड इसको 1 2 3 1 2 3. एंड थर्ड इज फोटो सेल्स. ये अभी हम लोग ने पढ़ा है. इसकी क्या स्पेशलिटी, वो वर्ड अभी हम लोग ने पढ़ा है, बायोल्यूमिनेंस. सो इन नीड दे आक्स. ठीक है, तो जो गैस्ट्रोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ वेरियस कैनाल. इनर सेल्स और आउटर सेल्स होते हैं. इनर सेल्स लॉन्ग होते हैं. इसमें स्टोरेज सेल्स, जर्म सेल्स, फोटो सेल्स एक्चुअल में कहाँ पाए जाते हैं? इनर. और इनर सेल्स कहाँ पे पाए जा रहे हैं? वो गैस्ट्रोडर्मिस में. ओके, सो अगर इफ यू वॉन्ट टू गो थ्रू डायग्राम, तो एक बार डायग्राम देख लो इसका. डायग्राम एक्चुअल में होता कैसे इसका? चीनोफोरा का एक हम लोग स्ट्रक्चर लेते हैं. ये जो हम बना रहे कॉम कैनाल्स गया है और ये सीलिया. ठीक है, ये कॉम कैनाल्स है. सेम स्ट्रक्चर आई विल ड्रॉ हियर. ये टेंटिकल्स. ओके, सो दिस इज मेसोग्लिया. इट इज टेंटिकल्स. और मैंने क्या बोला था? आउटर एपिडर्मिस है. सो इट इज एपिडर्मिस. दिस इज टेंटिकल्स.
एंड दिस इनर वन इज गैस्ट्रोडर्मिस, ये जो गया है ये इट इज गैस्ट्रोडर्मिस. It is gastrodermis. And stomach, it is mesoglia. And the stomach I will draw here. ये जो ऐसे गया है थोड़ा, दिस पार्ट इज स्टमक. दिस इज फैरिंग्स, दिस इज एनस एंड द अपर वन इज माउथ. दिस वन इज माउथ, इतना पूरा फिल कर दिया है एपिडर्मिस. एंड दिस वन इज इधर माउथ लिख लेना, ठीक है ये माउथ. सो बेटा दिस इज मेसोग्लिया, दिस इज टेंटिकल्स, दिस इज कॉम कैनाल्स, ये भी कैनाल से होते हुए ये क्या गया है टेंटिकल्स. आउटर वन इज एपिडर्मिस, ऊपर माउथ, ये हाँ एनस. तो अब माउथ एनस आ गया तो इनकम्प्लीट नहीं होगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. इज नाउ कम्प्लीट, टू ओपनिंग्स दिख रही, ये एनस दिख रहा है यहाँ एंड हेयर इट इज माउथ. दिस इनर वन इज गैस्ट्रोडर्मिस, इनर वन इज हमने बोला गैस्ट्रोडर्मिस, इट इज फेरिंग्स, इट इज स्टमक एंड इट इज कॉम कैनाल्स. ओके वॉट एल्स इज रिमेनिंग अबाउट दिस टॉपिक. अपेंडिजेस, बॉडी वॉल, लोकोमोशन, इट इज कॉम्प्लेक्स, बॉडी कैविटी. So body cavity, they are acoelomates. Now come to all these, listen, digestive tract में क्या हो जाएगा, mouth. Okay, digestive tract I have explained, mouth, write down mouth, pharynx, stomach, anus. Pharynx, stomach, anus, mouth, all will come under this and it is complete. Okay, write down all here and it is complete. I want all these to be filled. This nervous system, diffuse. And what about reproduction? Hermaphrodite. I have explained this word, both male female in one organism. And it is only sexual reproduction show. Only sexual. Asexual, absent. Asexual is absent. So this is all about this, and you need pictures, advancement over Nidiria uvulite. Okay, complete digestive system है यहाँ पे, ये एक point यहाँ पे मिल गया. So it is all about the tenophora. Okay.